सो गाइज वेलकम बैक टू द व्लॉग डे 4। हम ट्रेनिंग कर रहे भाई, गॉगल्स लगा ले। और भाई अब जा रहे हैं, आज जा रहे हैं बर्गर फैक्ट्री फिर से। अरे भाई क्या कर रहा है इतनी सारी बोतलें। तो भाई नहा धो के ब्रश करके रेडी। ये भाई स्किन खराब हो रही है गोवा के पानी से मेरी। मैं चलाऊंगा, चल रहे भाई, मेरा बैग रख लियो पीछे। सिस्टम भाई गाड़ी की चाबी नहीं, कैसे चलाऊं? और भाई भाविक भाई सुना दे, भाविक भाविक डॉन भाविक शौकीन कहाँ से है भाई? हरियाणा, दिल्ली से है बैंचोद। हरियाणा से है वैसे तू? हाँ भाई जाट, भाई जाटों के साथ में बैठ चुका हूँ। तू जाट लगता है बता, तेरे सच में लगता है? मैं जाट लगता हूँ गाइस? कोई ना हमारे भाई बन गया बस। कैसी बात कर रही है भाई? मैटर शॉट दबिया नहीं कर दे, चल आज दबिया नहीं कर दे, चला 24 घंटे सिर्फ फोटो लेती रहेगी अपनी, या तो चीज होगी। तो मेरे को दिए, मैं खोल के बैठता हूँ क्या? मैं व्लॉग तो कर रहा हूँ। सो आयरोनिक भाई। आर्यन भाई गलत वाले बर्गर फैक्ट्री आ चुके हैं। ओए कहाँ पे है? क्योंकि मुझसे ज्यादा बात मत करो। कहाँ पे ये एरिया कौन सा है? ये है सारा अपना ही है अंजुना। और भाई जो असली वाला बर्गर फैक्ट्री है जो बहुत बड़ा, जिसमें इसकी स्टडी फोटो आएगी। यार मेरे को मत बोलो यार, मैंने कुछ लिमिट में रह ले। मुझे तो सब लोग मुझे बोल रहे हैं। भाई रुक जा भाई, क्या है, चल क्यों नहीं रहे? तो असली वाला बर्गर फैक्ट्री है वहाँ पे मोर जिम में, वहाँ जाके मेंट्री करते हैं। ये क्या कर रहे हो भाई तुम? चलो भाई खाना खाएंगे भाई, गंदी जगह मत कर मॉर्जिन बीच नहीं, रशियन बीच बोलना चाहिए भाई। क्रेजी सीन्स भाई रशियन बीच। तो गाइस बर्गर फैक्ट्री से हमने खा लिया इतने बड़े बड़े बर्गर। ये देख लो भाई, जगह पे गिर जाऊंगा यार। ओके ये दिखा दिया भाई, देख ले। बेकन और चिकन का क्या बारबेक्यू सॉस था, इतना बड़ा मजा आ गया भाई। और मेरे को ये दिए शेक के टेक अवे में दारू की बोतल। पानी चाहिए तुझे? बहुत तगड़ा भाई। और भाई तुम्हारे भाई ने शर्ट चेंज कर ली, ये वाली जगह अपनी मेल से चेंज कर ले, मेरे को वाइट अच्छी नहीं लग रही। भाई तूने कहा था वाइट बैकग्राउंड वाली ले ले, वाइट बैकग्राउंड वाली पर ये प्रिंट न्यू प्रिंट दूसरे चेंज करा लूंगा, चेंज करा लूंगा भाई। 250 रुपए की है बस। चल रहे हैं बीच में, चल रहे हैं भाई। ये बीच रशियन बीच है, मोरजिम बीच नहीं है, रशियन बीच है ये भाई। ये तो भयंचर लड़का है भाई। चल रहे यार, और बीच इतना साफ सुथरा है भाई, साफ बीच है, मोरजिम बेस्ट बीच है। मोरजिम है रेमो लेक एक साथ दोस्त है गाइस। वेदर अपडेट है, यहां पे 50 डिग्री हो गया गोवा में भाई। क्या है दिखने वाले, व्हाट इज द मैटर विद यू? क्या टाइम मैटर हो गया भाई, एक्सीडेंट होने वाला था भाई। अब मोड़ घुमाना आराम से, सरिया था बाप पे बेटा। भाई धस गई गाड़ी, पीछे ही निकालो। तो गाइस एरम्बोल बीच में आ चुके हैं, हमारे भाई ने ये ले लिया है 400 रुपए का। और भाई अपना टाइम लैप्स पे लग रहा है सनसेट, बहुत तगड़ा भाई। खुश हो रहा भाई। अब भाई अंदर जा रहा हूँ पानी में डूबने। रशियन दिखाओ, रशियन सिर्फ रशियन भाई। तो कैसे लग रहा है आपको डुबकी मार के भाई? रशियन बीच ओनली रशियन भाई। ये तो बंदी है, तू क्या देख रहा है बंदी को देख?
एक चीज का, और इतना सुंदर भाई देखो, भाई सनसेट एंड बीच बेस्ट देख लो। मजा आ गया भाई। तो गाइज एरिम्बोल बीच से नहा धो के आ चुके हैं, और भाई इधर आ जा, इधर आ जा, ये पूरे दिन भाई नहीं गया कहीं पे भी, रूम में बैठा हुआ था भाई। भाई आशीष से हेलो टू व्यूअर्स। भाई कैसे ऐड रहा है भाई, इंट्रोवर्ट है थोड़ा, टॉक कर रहा है भाई, टॉक दिखा दे भाई अपना। एनी स्टॉक टिप्स भाई, गला खराब हो गया बिल्कुल, स्किन भी खराब हो गई बीच की वजह से, कसीना चल रहे ओके। तो गाइज कब आना क्लब, कब आना आ चुके टेक्नो पार्टी, और भाई दिल्ली से सस्ते हैं, स्टैग है 2500, अरे क्या है भाई, और कपल है 3000, अनलिमिटेड ड्रिंक्स कर दे भाई, चल चल रही है, वी हैव 3 कपल। नहीं भाई, फीमेल्स आर वे टू स्ट्रॉन्ग, बट फेमिनिस्ट पानी में जाएगा, इसको खराब कर दिया, पानी में जाएगा नहीं भाई, क्यों भाई, भाई कबाना से निकल चुके हैं एकदम घटिया, जीरो क्राउड, मत जाओ कभी भी, पर भाई बहुत जेन्युइन दारू, अनलिमिटेड दारू, लोड़ा दारू का फन, सारे जितने पैसे हमने फूके ना उतने में भाई 10 दिन नशे कर लेंगे तुम लोग। भाई मैं तो पूरी 500 पैसे वसूल कर, बकवास भाई, कबाना जिंदगी में मत जाना, 2500 पैक पिया, रिग्रेट भाई रिग्रेट, इससे बड़ा, इससे ज्यादा रिग्रेट नहीं हो पूरे ट्रिप पे। रद्दी भाई ये वाला गली है, समझ जा रहे जिसको नशे हो जाते हैं वो यही बोलते हैं भाई, ठंड लग रही है क्यों, नशे में तू, ये देख इसको रिकॉर्ड कर रहा है नशे में, ये डेड हो गया, ब्रो ब्रो लाइट मारो, साइड हट जाना, और गला बहुत खराब है, और भाई सुबह सुबह भाई साहब रशियन है, रुक जा रुक जा भाई, तगड़ी भाई सुबह सुबह निकल चुके हैं इसके साथ ड्राइव पे, भाई मेरे को मौत दिख रही है आज भाई, मत आराम से जाने भाई, अगर ये व्लॉग अपलोड नहीं होता है तो ये वाली वीडियो न्यूज़ पे डाल देना कि भाई इसकी वजह से मैं मरा हूँ। ये सुन, एक गाड़ी चला रहा था और मैं साथ में बैठा था, गाइस मैटर हो गया, I-20 पुलिस ने पकड़ लिया, देख रहे हो ना, कैचिंग कर ली क्योंकि। सो गाइस डे 5 सुबह सुबह कुछ बकचोदी कर रहे थे ये लोग, मतलब वो बंदा जिसकी मैंने दिखाई दिया ना कि गाड़ी चला रहा गलत, भाई उसने इतनी गलत गाड़ी चलाई किसी एक रशियन ने कंप्लेन कर दी, और क्या कहते हैं जो जिससे हमने गाड़ी ली थी रेंट पे, उसने बोला कि वापस ले रहे हैं, आपने कंप्लेन कर दी है वो, तो फिर भाई वापस ली उसने, फिर एक और गाड़ी आई, भाई ऐसे करते करते 3:30 हो चुके और तो कुछ नहीं खाया, बहुत बीट है भाई, ग्रुप में मत आओ कभी, गोवा ही मत आओ, बीच बीच ही है और कुछ है नहीं यहाँ पे कुछ खास। तो गाइस भाई ये यहाँ पे शेविंग का कोई सिस्टम ही नहीं है, मैं हर चीज़ तो घर पे भूल आया हूँ, बट भाई अब मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे, बहुत गर्मी है भाई, इससे बढ़िया तो मैं पहाड़ों पे चले जाऊँगा ट्रैकिंग कर लूँगा, और भाई 2-3-4 के ऊपर किसी ग्रुप के साथ मत आए करो, बीटी हो जाती है, ये सिर्फ बीटी कर रहे हैं, आज यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है, बहन जो कितने बज गए बताए,
4:30 बज गए सुबह से कुछ नहीं करा रूम में बैठे हुए भाई बकवास है भाई सब कुछ। अब इसके आगे मेरे को व्लॉग करने का मन नहीं है तो कितने 2-3-4 व्लॉग हो गए गोवा के बस और नहीं चाहिए भाई मेरे को भाई बीटी है बहुत ज़्यादा गोवा में भाई। तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये होता है वो होता है कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम भाई अपनी बंदी के साथ आ रहे हो तो ठीक है ग्रुप में आ रहे हो दो कपल आ रहे हो या फिर चार लोग ज़्यादा मत ही आओ भाई बीटी हो जाएगी देख लो भाई बकवास है। ऐसा जैसे सोचते हो गोवा में वैसा कुछ नहीं होता बिल्कुल भी नहीं मतलब समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ नहीं होता वो सब यहाँ पे। और भाई क्या है ये तो बहुत तेज चल रहा है यार एसी। और भाई जो भी लोग कहते हैं ना व्हाट हैपेंस इन गोवा स्टेज इन गोवा यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है भाई मतलब अब तुम बोलोगे कि तू मेरे बस का नहीं है पर ऐसा नहीं है मैंने सब देख लिया सब एनालिसिस कर ली गोवा में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 4 लोग आ रहे हो 3 लोग आ रहे हो तो ठीक है और भाई यही है और क्या है भाई यहाँ पे गला ख़राब हो गया मेरा आइसक्रीम खा के और ज़ुकाम भी हो गया मेरे को। और भाई मेरे को बहुत याद आ रही है अब घर की घर वालों की मेरे भाई की और शौर्य की क्योंकि भाई यहाँ पे मन नहीं लग रहा मेरा बकवास है गोवा पैसे भूख दिए मैंने फालतू में नॉट ओके भाई भाई वो वहाँ करवा दो। हाँ जी 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 से बात करो एलपी के में एंट्री फ्री करवाया हमारे भाई हम ओल्ड गोवा आ गए हैं और ये कौन सा चर्च है सेंट जो भी है भाई इसमें क्या भाई बेसिलिका ऑफ बॉम यही वाला चर्च है भाई यहाँ पे 450 सालों से 450 साल पहले वो मर गए थे और सॉरी उनकी एक्सपायर हो गए थे डेथ हो गई थी समाधि ले ली थी भाई इनके सिस्टम का अलग सिस्टम होता है यार तू चुप रहे। तो भाई हर एक साल में दो बार इनके नाखून और बाल काटते हैं इनकी बॉडी के जो यहाँ पे। अब ये कैसे है भाई ये मेरे को बता दो अंदर भी जाने नहीं दे रहे अंदर 5 बजे बंद हो गए। हाँ भाई हम तो बहुत जल्दी निकले थे भाई घर से आज 5 बजे भाई ये है थोड़ा मेरे को कैसे हो सकता है भाई ये कैसे हो सकता है ये क्या हो सकता है ये जो सिस्टम बताया अभी होगा यार कुछ जुगाड़ बुगाड़ बिताया होगा उन्होंने उस टाइम का कोई लिया होगी चल भाई भाई जो आदमी मर चुका है और ये है भाई इनकी इनकी जो बॉडी है ये प्रिजर्वेटिव से नहीं है ऐसी ही रखी हुई है गाड़ी में बैठे के भाई लिंक देख लो भाई पता कर रहे हैं अब आज हम मिस्ट्री सॉल्व कर देंगे तगड़ी। ओए सिगरेट क्यों ले रही है बंसी को सिगरेट क्यों ले रही है सिगरेट लग दिया क्या? ये कवर अप करने के लिए लिया है कछुआ के ऊपर मछली आ जाओ भाई इतने स्लो क्यों हो रहे हो भाई भाई मुझे चाहिए एक कछुआ और भाई इसने बाहर आके सांस ली है ये वाले भाई इसकी मूछ आ रही है शेव नहीं कराई भाई इसने कदी बहुत सारी मूछ आ रही है इसकी भाई चल लो यार करियो भाई फिर से बन जाएगा दिशा बुढ़ा के दिखा भाई ये सारे चर्च में आके ये सारे शादी करेंगे भाई हम क्या करेंगे भाई एक चीज दिखाता हूँ ये दिख रहा है भाई ये इसका साइन अलग है थोड़ा मतलब ऊपर से ना जैसे ऐसा होता है क्रॉस ये ऊपर से भी थोड़ा ऐसा है इसका ये है कि पोर्चुगीज ने ना टेक ओवर कर रखा था गोवा में और 1960 या 1965 में गोवा फ्री हुआ है पोर्चुगीज से तो जब का ये चर्च बना हुआ है 1600 BC का। भाई ये चर्च का नाम क्या है ओए चर्च का नाम क्या है ओए चर्च का नाम सेंट जेसिंटो आइलैंड के ऊपर है
आइलैंड के ऊपर है भाई, जब यहाँ पे शादी होती है ना तो ये भाई पूरा सजा लेते हैं, छोटा सा आइलैंड है और ये टापू है भाई, आसपास पानी है, दिखाता हूँ भाई देखो सारा पानी भाई, बढ़िया है, मतलब यहाँ की वाइब सही है। सो गाइस वास्को डा गामा से प्रॉन और चिकन खा के आ चुके हैं और अब निकले हैं हैमर्स जाने के लिए भाई। 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं और ट्रैफिक देख लो इतना उदास क्यों है भाई, बहुत ट्रैफिक हो रहा है, 12 बजे यहाँ पे गोवा में। आई डोंट नो भाई, 2 किलोमीटर का रास्ता 20 मिनट दिखा रहा है और भाई भाई इसने सींग बांध ली भाई, देखो दिखाता हूँ भाई, बढ़िया हैमर्स चल रहे भाई। तो भाई हैमर्स से निकल चुके हैं, मतलब हैमर्स गए ही नहीं, हैमर्स के सामने खड़े थे, मैंने अपना सिस्टम करा के 30,000 की एंट्री 15,000 में करा दी, बट भाई इनको चाहिए था फ्री अनलिमिटेड दारू और वहाँ पे था फुल कवर, क्योंकि भाई जो बढ़िया क्लब होते हैं ना उसमें फुल कवर ही मिलता है, अनलिमिटेड नहीं मिलता किसी में। तो भाई अब यह LPG में आ चुके हैं, भैंचो यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं था ना, बंदा ना बंदे की जात, पता नहीं यहाँ आके क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पैसे भरवाएंगे 4,000 रुपये, पर मैं दूंगा नहीं, मैं जाऊँगा ही नहीं भाई, देखते हैं भाई क्या होता है। सिस्टम भाई तगड़ा है भाई, तो क्या सिस्टम है भाई, से गिर गया था मैं, देख लो भाई भाई क्या है, तो क्लब नहीं लग रहा, डरावना सा कुछ लग रहा है, कति हॉरर भाई। लेक साइड है LPK, लेट्स गो। तो गाइज LPK से घर आ चुके हैं भाई, यहाँ पे सारे मुंबई के लोग आते हैं, गोवा में ज़्यादातर मुंबई के लोग आते हैं, तो बेकार ही है, मतलब कुछ खास नहीं है, ठीक है, गोवा सम अप कर दूँगा एक वीडियो में, तो देख लेना। अब व्लॉग को एंड कर रहे हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।